हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो पार्ट वन में मैंने आपको दर्शन कराया घृष्णेश्वर महादेव मंदिर के। पार्ट टू में अब हम आ गए हैं चौथ का बरवाड़ा, जो कि शिवाड़ से करीब 40-50 किलोमीटर दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं चौथ माता के। एक ही दिन में हम दो जगह कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने घृष्णेश्वर महादेव मंदिर कवर करा शिवाड़ में, और अब हम आ गए हैं यहाँ पे चौथ माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ बताया जा रहा है 700 सीढ़ियाँ हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं व्यू, वहाँ पे है चौथ माता का मंदिर। तो यार अब देखते हैं चढ़ पाते हैं कि नहीं चढ़ पाते 700 सीढ़ियाँ, ही ना। पहले वहाँ पे 700 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, अगर चढ़ पाए तो आके खाएंगे। चढ़ेंगे, चढ़ पाएंगे नहीं। चढ़ना ही है, फिक्स है, नहीं है नो ऑप्शन। तो चलिए गाइस चलते हैं और एंजॉय करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, एक तरीके से ट्रैकिंग ही है। अरे हीना रुक, पहले गेट पे पढ़ देख क्या लिखा हुआ है। शराब पीकर अंदर जाना। हाँ तो तू क्यों जा रही है फिर? सारी उम्र में जो गाइज, आप जब भी सीढ़ियाँ चढ़े जरूर से एक बोतल अपने साथ लेके जाएं। अभी हम बोतल भूल गए थे तो वापस लेने आए, क्योंकि 700 सीढ़ियाँ क्या पता किसको कब प्यास लग जाए। तो पानी हमेशा साथ में कैरी करिए। तो ये आ गया है गेट सिद्ध श्री चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा 2011 लिखा हुआ है। चलिए तो गाइस 80,000 के जूते केवल मेरे हैं, बाकी इन सबके तो चोर बाजार वाले हैं। नहीं, चोर बाजार वाले हैं, हमारे तो वो हैं। क्या हैं तुम? हमारी ब्रांडेड है, इनके हैं वो चोर बाजार वाले। जस्ट फोकस ऑन हर शूज, ग्रिप शूज। तो गाइस इन सीढ़ियों के बीच में गैप थोड़ा कम है, तो आप चाहें तो एक एक सीढ़ियां उंगाल के भी चढ़ सकते हैं लाइक दैट। और यहाँ पे भुआ की फुर्ती देखिए, सुपर फास्ट। सो गाइस 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब लिया है थोड़ा सा रेस्ट। वो 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? थक गए? हल्की-फुल्की थकावट महसूस हो रही, बट ऐसा कुछ लगा नहीं। आगे हम और अभी 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार हैं। जोश है, जुनून है माता जी का दर्शन करने के लिए। वाह, आए इसी के लिए। जय माता जी, सिस्टम पार देंगे। इसी बात पे चलना प्रारंभ करते हैं। तो अभी सबसे लास्ट में चल रहे हैं अंजलि दीदी और भुआ। हेलो, हाउ आर, खाना खा के जानो। इधर का व्यू, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल व्यू। अरे शायद इतना रास्ता क्रॉस कर लिया, यही है शायद वो। क्या गाइस, हम वहां से आए थे, वही तो। ये देखिए सिक्स सेंस फोर्ट। तो अभी थोड़ा फॉग हो रखा है, इस वजह से व्यू थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, वरना अगर आप देख सके तो वो फोर्ट है जहाँ पे मैरिज हुई थी कैटरीना कैफ की। मुझे साले इस वो फोर्ट देख रहे हैं आप, वो ही है सिक्स सेंस फोर्ट जहाँ पे वो कैटरीना कैफ की शादी हुई थी। तो जी अभी हम 500 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और यहाँ पे आए हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से सिक्स सेंस फोर्ट भी दिख रहा है जहाँ पे कैटरीना कैफ की शादी हुई थी। तो 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी रेलिंग्स आ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लोग थक जाते हैं, तो भाई कोई एक आध लुढ़क ना जाए, इस वजह से रेलिंग्स दे दिए यहाँ पे कि पकड़ के चलो। जैसे कि ये माता के चार परिक्रमा लगती है। यहाँ माता जी के सीधी सीधी सीढ़ियाँ बनी हुई है,
कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, जो चलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। जैसे घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उतरते हैं वैसे ही चढ़ गए उतर गए, और आने और जाने में मात्र एक घंटा लगा है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो गाइस बहुत जल्दी फ्री हो गया हम, एक घंटा लगा होगा। हम बहुत अच्छे दर्शन हो गए माता जी के, बहुत अच्छा व्यू आता है ऊपर से, तो आप जब भी जाए बढ़िया फोटोग्राफी करवाए वहाँ पे। जय माता चौथ माता की, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बड़ा सुंदर मंदिर था, आनंद आ गया। 600 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थोड़ी सी हमें परेशानी हुई, नीचे उतरते हुए तो पता ही नहीं पड़ रहा है। हम करीब 400 सीढ़ियाँ उतर चुके हैं, 200 सीढ़ियाँ हो रहे हैं, शायद 5 या 10 मिनट में हम 200 सीढ़ी भी उतर जाएंगे। जितना टाइम जाने में लगाता है उससे आधे टाइम में उतर गए, ऐसा समझ लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय चौथ माता, जय हो। हाँ तो गाइस पापा से पूछते हैं, पापा का एक्सपीरियंस कैसा रहा चौथ माता के मंदिर का? बहुत ही बढ़िया रहा था, दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, और 600 सीढ़ियाँ हैं, हमने एक एक सीढ़ी को गिना है, और सीढ़ियाँ भी जो है ना छोटी छोटी है, तो न तो चढ़ने में जोर आया नहीं उतरने में जोर आया, एक घंटे में चढ़िए आधे घंटे में उतर गए। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यहाँ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है, तो आप यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं आके। अभी हम लोग कर रहे हैं खरीदारी थोड़ी। तो गाइज अभी बजे हैं शाम के 6, और अभी हम मंदिर से नीचे आ गए हैं, और अभी लिया एक टी ब्रेक, बढ़िया बॉन्ड फायर जला के हाथ तप रहे हैं और गरम गरम चाय पी रहे हैं। जब भी आप लोग चौथ माता के आए, इन अंकल जी के यहाँ चाय जरूर पिए, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं ये। तो शाम हो चुकी है और रात का व्यू कुछ इस टाइप से आ रहा है मंदिर का, आरती चल रही है। गाइज ये देखिए, यह है सवाई माधोपुर फोर्ट बाहर से। तो गाइज अभी हम लोग चौथ के बरवाड़े से डायरेक्ट सवाई माधोपुर जा रहे हैं, वहीं पे कोई गेस्ट हाउस लेके खाना वाना खा के कल सुबह डायरेक्ट निकलेंगे रणथंबोर के लिए। तो अभी हमने एक होटल बुक की है, होटल रणथंबोर हॉलीडे इन, तो चलिए खाना वाना खाते हैं। तो गाइज अभी हम लोग चौथ के बरवाले से डायरेक्ट जा रहे हैं सवाई माधोपुर, वहीं कोई गेस्ट। तो गाइज अभी हम लोग सवाई माधोपुर से डायरेक्ट चौथ का बरवाड़ा जा रहे हैं। उल्टा हुआ दिया चौथ के बरवाड़े से सवाई।